प्रोटीन खाना हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है ये सभी को पता है। तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो 3-in-1 रेसिपी है, जो सैलड भी है, जो स्टार्टर रेसिपी भी है और जो आपके शाम के नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक। तो हेल्दी डाइट में आज मैं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी कॉर्न। कॉर्न को यहाँ पे हमें पहले बॉयल करना होगा। इसके अलावा लिया है मैंने मेयोनीज बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में मेयोनीज, और अगर आपको मेयोनीज घर पे बनाना हो तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/2 खीरा बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 प्याज कटा हुआ, 4 चाट मसाला, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, नहीं भी हो तो चलेगा। तो सबसे पहले चलिए कॉर्न को बॉयल कर लेते हैं। कॉर्न जो होता है वो फाइबर से भरपूर होता है और फाइबर हमारे डेली डाइट में ज़रूर शामिल होना चाहिए, यानी कि अच्छी मात्रा में आपको फाइबर खाना चाहिए तो ही आप हेल्दी रह सकते हैं। तो कॉर्न को आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। तो आप कॉर्न को बॉयल करते समय इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि कॉर्न जो है अंदर तक उसमें नमक भिन जाए, और इसको 3 से 4 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्न को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। अब ये कॉर्न बॉयल हो गए, इसका पानी छान लिया है और कॉर्न बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं। आपने जैसा कि देखा बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे सैलड के आइटम हैं, जो आप सैलड में खाते हैं, टमाटर, प्याज, खीरा, शिमला मिर्च। अगर आपके पास ब्रोकली हो, कैबेज हो, यानी कि सलाद के और भी आइटम हो तो आप इसमें और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही स्टार्टर के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड किया टमाटर 1 बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटा हुआ और खीरा बारीक कटा हुआ। जैसा कि मैंने बताया आप और भी चीज़ों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। जो भी मार्केट में उस सीजन में अवेलेबल है उसको ऐड कर लीजिए। इसके बाद जो हमने 2 कटोरी कॉर्न को बॉयल किया था पानी छान के वो इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हम लोग मेयोनीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। मेयोनीज को घर पे भी बनाया जा सकता है। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको मेयोनीज घर में बनाना होगा तो मैं इसकी रेसिपी मेयोनीज की घर पे कैसे बनाते हैं ये भी शेयर कर दूंगी। तो अब इसमें हम लोग चलिए थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें सादी जो है ना वो रेगुलर नहीं खाई जा सकती, और ये एक रेसिपी ऐसी है जो आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। जो लोग स्पेशली हेल्थ कॉन्शियस हैं, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है या शुगर है, या फिर वेट गेन कर रहे हैं, वेट कंट्रोल करना है, सभी के लिए ये बेस्ट है। तो इसमें मैंने 1/2 कटोरी मेयोनीज को ऐड कर दिया। आप चाहें तो 1/2 कटोरी से कम भी कर सकते हैं, यानी कि 2 चम्मच में भी ये इसको बनाया जा सकता है। इसके बाद डाला है ओरिगैनो। ओरिगैनो जो होता है वो एक तरह का हर्ब्स है जो वेट कंट्रोल करने में मदद करता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा फ्लेवर के लिए डाला है चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें मिर्च, लाल मिर्च पाउडर का भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फ्लेवर ऐड किया चाट मसाले का। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। मैं शाम के नाश्ते के लिए इसे बनाती हूँ इसलिए मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड करती हूँ। अब इसमें डाल दिया काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ, अगर आपको इसमें एक भी फ्लेवर ना पसंद हो तो आप पूरे सैलड को मिक्स कर दीजिए इन सब चीज़ों को डाले बिना, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको ओरिगैनो पसंद है तो ओरिगैनो डाल लीजिए, अगर आपको चाट मसाला पसंद है, पेरी पेरी पसंद है या फिर नमक काली मिर्च ही सिर्फ पसंद है तो वो ही ऐड करके इसको मिक्स करके खाइए, या रोज अलग अलग टेस्ट इसमें ऐड करके खाइए तो 5 डेज में 5 फ्लेवर आप इसमें पास्ता मसाला, मैगी मसाला, ये सब चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी बनाने का प्रोसेस वही होगा, बस मसाले का जो फ्लेवर होगा ना वो अलग होगा, और इसी मसाले के कारण आपको हर रोज इस सैलड का, इस नाश्ते का फ्लेवर आपको बिल्कुल अलग आएगा। डेली डाइट अगर आप इसको डेली डाइट में शामिल करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत हेल्दी रहिएगा, वेट कंट्रोल कर लीजिएगा, फाइबर आपके शरीर को मिलेगा। और इस तरह से देखिए फटाफट से मैंने इसको अलग अलग फ्लेवर वाला भी बनाया है, सेफ बना लिया है। तो आज मैंने इसको सर्व किया शाम के नाश्ते में, हर कटोरी में अलग अलग तड़का दे दिया यानी कि अलग अलग फ्लेवर ऐड कर दिया। तो कैसी लगी रेसिपी, इसको ट्राई जरूर करिएगा, और अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। नए यूजर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी हेल्दी रेसिपीज से मैं अपडेट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, करछी से कलम तक।